सोलन के किसानों की आर्थिकी टमाटर पर बिकी हुई है, इसलिए सोलन का टमाटर किसानों के लिए सोने से कम नहीं है। यही कारण है कि सोलन के टमाटर को लाल सोना भी कहा जाता है। लेकिन आज सोलन के किसान एपीएमसी के रवैये से परेशान है, क्योंकि पहले पदाधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनका टमाटर क्रेट के हिसाब से नहीं बल्कि भार के हिसाब से मंडी में खरीदा जाएगा। सोलन के किसानों की आर्थिकी टमाटर पर टिकी है, इसलिए सोलन का टमाटर किसानों के लिए सोने से कम नहीं है। यही कारण है कि सोलन के टमाटर को लाल सोना भी कहा जाता है। लेकिन आज सोलन के किसान एपीएमसी के रवैये से परेशान हैं, क्योंकि पहले पदाधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया था कि उनका टमाटर करेट के हिसाब से नहीं बल्कि भार के हिसाब से मंडी में खरीदा जाएगा। किसानों ने इस निर्णय का दिल खोलकर स्वागत किया था, लेकिन अब पदाधिकारी अपने नियम को लागू करने में टाल मटोल कर रहे हैं। मेरा नाम मनोहर लाल है, मैं एक किसान हूँ। जैसे कि प्रशासन ने बोला था कि टमाटर का रेट जो है किलो के हिसाब से दिया जाएगा, ना कि क्रेट के हिसाब से बेचा जाएगा, तो अभी तक तो इसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ है। अभी क्रेट के हिसाब से ही बिक रहा है। शायद ही प्रशासन जो है वो आढ़तियों के आगे झुक चुका है। प्रशासन जो है वो आढ़तियों के आगे झुक गया है, इसलिए अगर अगर प्रशासन ने ये कदम नहीं उठाया तो किसान जो है सड़क के ऊपर आ जाएंगे हड़ताल करने के लिए। हम जो है गांव से लेकर हाईवे तक जो जाम कर देंगे। मेरा नाम राजकुमार जी, मैं किसान भाई हूँ एक। मैं कल मंडी में एक क्रेट लेकर गया तो उन्होंने क्रेट का हिसाब ही लिया। मैंने उनको बोला किलो के हिसाब से ले लो, कहते नहीं जी हमने किलो के हिसाब से नहीं लेंगे। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं भाई, जो ये करेटों के हिसाब से बिक रहा है ये गलत है, और ये किलो के हिसाब से टमाटर बिकना चाहिए। ये लागू नहीं हुआ तो अगला आंदोलन करेंगे। यहाँ मंडी में माल आना कम हो जाएगा, बारली मंडियों को भेजना शुरू कर देंगे जहाँ किलो के हिसाब से बिक रहा है। जो हमारा टमाटर है वो क्रेट के हिसाब से नहीं किलो के हिसाब से बिकना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। जो किसान है वो अपने टमाटर को और मंडियों में भेजने शुरू करेंगे, जिससे यहाँ की मंडियों को थोड़ा नुकसान होगा। वो किसानों को क्रेट के हिसाब से मूल्य में बिक रहा है, जिसपे किसानों को अभी भी उसमें नुकसान है। अगर किलो के रेट से हमारा माल बिकता तो हमारे किसानों को उसमें सुविधा मिलती। समय रहते जल्द अगर फैसला लागू नहीं करता है तो किसानों को करोड़ों रुपए की चंपत जरूर लगेगी। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपने सभी किसानों को बता देना चाहता हूं कि सोलन जिला में टमाटर का व्यापार या उसकी बोली क्रेट के हिसाब से होती है। इसका वजह यह है कि यहां टमाटर का आयात इतना ज़्यादा मात्रा में है, लगभग 30,000 से ज़्यादा क्रेट पीक सीजन में टमाटर की आती है और उनको तोड़ने में काफ़ी असुविधा होती है। लेकिन इस सब के लिए हमने 28 तारीख को दिन की और किसानों को उनकी अपनी समस्याएं प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, उनकी समस्याएं सुनी गई, आढ़तियों से भी उनकी समस्या सुनी गई, व्यापारियों का भी पक्ष इस बैठक में रखा सुना गया और निर्णय लिया गया कि इस संबंध में 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जो राज्य स्तरीय एक असेसमेंट करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी कि टमाटर का व्यापार भविष्य में क्रेट के हिसाब से होगा या किलो के हिसाब से इसकी बोली होगी, और इसकी रिपोर्ट तैयार करके हिमाचल प्रदेश राज्य किसी भी बोर्ड को भेजेगी। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एसटीडी के साथ। नमस्कार।